जूते और पैर के बीच में चीज होती है जो कभी भी तुम्हारे यहाँ पे जब धुल के आती है तो मुझे एक जैसी नहीं मिलती। अब वो भी मैं ही करूँ? देखो ऐसा है कि ये जो डेली ब्लॉग वाला चक्कर है ना, इसमें लेट नाइट तक मैं एडिट कर रहा होता हूँ और ये 10-10:30 बजे इसकी बत्ती गुल हो जाती है क्योंकि इसने 5:30 बजे उठना है, जमीन ऊपर हो या आसमान नीचे। और 2 दिन से मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये मुझे गलत टाइम पे उठाती है। कल रात को मैं इसको व्हाट्सएप मैसेज डाल के सोया कि मैं सोया हूँ रात को 2:30 बजे, तो मुझे सुबह जल्दी उठाने की ज़रूरत नहीं है। और इसने जब मोटर बंद करनी थी मुझे नहीं उठाया, मगर ये जब वॉक से होके आई तो इसके पास कुछ करने को था नहीं, क्योंकि मैंने इसको बोला कि आज मैं नवरात्रों का खाना नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का, हो गए 5 दिन हो गए, अच्छा बनाती है मगर इससे ज़्यादा मैं ना कर पाऊंगा। और ये बोर हो रही थी और इसने मुझे उठाया, इसने मेरे कान में आके कुछ बोला। मैं नहीं उठाऊंगी कैमरा, क्या बोला था? इसने मेरे कान में आके बोला, वो मून एंड बैक वाला बोल के दिखा, तो ना बोला कैसा था और फिर मैंने 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 जवाब कैसे दिया मैं वो बता के दिखाऊंगा। हाँ रुक रुक मैं तेरे पास ला रहा हूँ। हाँ I love you to the moon and back, okay? सो रहा हूँ मैं, कान में आके बोलती है I love you to the moon and back। मैं आधी नींद में था, मेरे जोक्स ना कभी कभी ऐसे सही टाइम पे निकलते हैं। My God. 15 मिनट हंसी है। मेरा जवाब था Check again, I think you left it at moon. इसके पीछे की डेकोरेशन देखो, इसने नहीं की है। Okay. पुरानी चीज़ें हैं बट आई हैव एडेड सम पेंटिंग्स, तो अगर आप ध्यान से गौर फरमाएंगे। आपको बताई दिया कि हमने आज खाना नहीं बनाया है, तो एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आ रहा, फ्लेवर्स सारे ऐसे हो गए, खाया नहीं जा रहा 2 दिन से ना खाना, तो इसलिए हमने आज डिसाइड किया कि आज हम बाहर से ही। मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ये रात को रिसर्च करेगी और बताएगी। 30 किलोमीटर दूर का निकाला है इसने। एक साकेत में है, ठीक है, कोई सात्विक रेस्टोरेंट मॉल्स के आसपास ही है, और एक दिखा रहा था सिंह साहिब रेस्टोरेंट, वो है शायद एरोस होटल के आसपास, नेहरू प्लेस। अब इसको कोई बोलेगा ना मेरे कैमरे के पीछे की दौड़ की फलानी फलानी चीज, नेहरू प्लेस चलो, ये भागता हुआ जाएगा। याद रखना ये बात, ठीक है, वो दिन भी आएगा। पहला काम है पेट्रोल डलवाना और पेट्रोल हो गया 104 रुपये का, और इसको विश्वास नहीं हो रहा, ये बहुत दिनों बाद पेट्रोल पंप पे आई है मेरे साथ। खुशबू अच्छी लगती है देखो पेट्रोल की, नशे करती है तो पेट्रोल के। पागल है क्या? लगता तो है मुझे, तेरी बातों से मुझे कभी कभी लगता है आज पू बनी पार्वती हुआ हुआ। मैं तो वैसे सुबह सोचा था कि अगर ये मुझे वो जो दो मैंने जगहें सोची थी अगर ये मुझे वहाँ लेके जाता तो मैंने एक बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी थी, बट नेवर माइंड, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है, हम क्या करें। राइट बेबी, यू आर बेबी, राइट राइट। अच्छा तो देखो ऐसा है कि हम खाना पीना इंजॉयमेंट से पहले 2-3 काम निपटा लेते हैं, तो पहला हो गया पेट्रोल, दूसरा काम एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आज, तो वो काम ये है कि मेरा दोस्त रहता है US फ्लोरिडा में, उसको कुछ सामान चाहिए, मिठाई मठियाँ जूतियाँ, तो बड़े पैसे खर्च के वो मिठाई मंगा रहा है, खुश हो के वो बोल रहा था ये भेज दियो ये भेज दियो ये भेज दियो, वी हैव टू कोरियर द मिठाई टू द US। हम खुद नहीं खा सकते बावे, हम तेरे लिए ले रहे हैं, तो याद रखियो ये, ठीक है। भैया कहाँ निकालूंगा, अरे ये ट्रक मार देगा। भैया आए अभी पेट्रोल पंप वाले भागते हुए, कैमरा देख के लोग डर जाते हैं, कह रहे वीडियो काहे बना रहे हो। तो मैं भैया से पूछना चाहती हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, जितने का पेट्रोल है उतने का आप बेच रहे हो, सब कुछ आप ठीक कर रहे हो, तो आप घबराते क्यों हो फिर? ऐसे लोग घबरा जाते हैं, तो मैंने बताया नहीं भैया हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, कह रहे न्यूज व्यूज में तो नहीं डालते, मैंने कहा नहीं ना। मजेदार बात ये थी कि वो तो वो वाले भैया थे पेट्रोल पंप वाले, वो जाते जाते ना अभी एक भैया हवा भर रहे हैं, उसको जाते जाते हवा वाले भैया को बोल रहे हैं ओ तेरी वीडियो बन गई। अभी हम कराएंगे पोल्यूशन, अगर अभी खाली है तो करा लूंगा ना यार क्विकली 2 मिनट। ओके बेटा चालान कट रहे हैं पोल्यूशन पे, सब करा लूंगा। खाली 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 आई हैव अ न्यूज़। व्हाट? हमारा हो रखा है 2 जनवरी तक,
लास्ट टाइम आई गॉट वेरी स्मार्ट एंड आई गॉट इट फॉर 6 मंथ्स. भैया बोल रहे हैं मेरे को याद है आपकी शक्ल. मुझे भैया याद नहीं है, देखना कब तक का हो रखा है. कह रहे मेरे को याद है आपकी शक्ल. मुझे आपकी शक्ल भी याद है, आपकी बात भी याद है, डायलॉग भी याद है. तू डायलॉग ऐसे मार देता है भैया, वो याद रह जाता है. हम 3 महीने का करते हैं. आपने बोला था भैया जो मर्जी करो 6 महीने कर दो, मैं आलसी आदमी हूँ, तो मैंने कर दिया. अच्छा मतलब जैन तक है हमारे पास. चलो हमारे पास जनवरी तक है, तो एक काम बच गया भाई. एक टेस्ट करा दो मैंगो. फास्ट में खा सकते हैं तो फिर क्या. लेडीज एंड जेंटलमैन अभी कांड हो जाता. मैं टेस्ट कर रहा था मिठाई और मैं पकड़ा गया और मुझे नहीं करनी है ये फास्ट में टेस्ट. भूल गया था ये, कह रहा टेस्ट करा दो. तभी तो देखो रखा साथ. वो देखना लड्डू कितने सुंदर है, बड़े बड़े. कौन से ये? मेरी शादी में ऐसे ही आए थे ना, बड़े बड़े किलो किलो के लड्डू बनवाए थे मेरे पापा ने, क्योंकि उनको पता था ना लड्डू से शादी हो रही है, लड्डू लड्डू खाएगा. सब्सक्राइब करोगे आप? सब्सक्राइबर मिल गए, सब्सक्राइबर मिल गए. क्या है? नीति एंड रमन, NEETI. NEETI. हाँ रमन. हाँ सर बहुत बढ़िया, कम से कम 200 बंदे में शादी करवा दे दो. ओह वाओ. चलो फिर कल देख लेना अपनी वीडियो. बिल्कुल कल आएगी ना. क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश भट्ट. खाना थोड़ा लेट खाएंगे तो मैंने सोचा कि कुछ स्नैक्स हो जाएं. वहाँ लिखा था, वैसे तो दोस्त के लिए मिठाई लेने गए थे, मगर वहाँ लिखा था कि नवरात्रि की क्या है ये चाट पापड़ी, तो मेरे से रुका नहीं गया. आपको एक बात बताता हूँ, द कपल्स इन द हाउस, कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जब एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए, क्योंकि वो दिन थोड़ा ट्रिकी होता है. उस दिन वो बंदा रॉकेट होता है, रॉकेट. जरा सी चिंगारी लगाई नहीं तो फटने को तैयार. ये भैया को पर्ची पकड़ा रही थी, भैया बिजी थे, एक हाथ में कर्ची थी और एक हाथ में बोल था, वो किसी के लिए चाट बना रहे थे. और ये भैया को बोल रही थी, भैया भैया. मैंने इसको बोला यार उनको अपना काम करने दे, फिर आवाज़ मार लियो. इसने मुझे लुक दी और ये रुक गई. भैया ने इसकी तरफ देख के पूछा, इनसे पूछो भैया क्या करना है. मैडम खाओगे या पैक कराओगे? तो आगे से मुड़ के मुझे देख के कहती है, इसी से ही पूछ लो भैया. भैया समझ गए कि यहाँ कुटाई चढ़ेगी लड़के की आज. उससे पहले एक मोमेंट आया था कि जब भैया इधर उधर किसी से बात कर रहे थे, उनके हाथ खाली हो गए थे, बट वो किसी कोवर्कर से बात करते, इसने बोला अब वो फ्री हो गए अब दे दे. तू थोड़ी बताएगा मेरे को क्या करना. लेट मी मेक माय ओन मिस्टेक्स. ओके कैसा है भैया? बाहर वाले भैया से पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये देख लो, अगर मैं कोशिश कर रही हूँ ना नॉर्मल होने की, तो मुझे खोने नहीं दे रहा है. तो आज अगर बम फटेगा ना और थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, हमारी लड़ाई आपको पता नहीं है, तो 5-10 मिनट का साइलेंस होगा. और अगर ऐसा लग रहा है ना कि क्या बोल रहा है ये, और सीधे पिल्लो जो जो आता है पेल दर्द पूरी वो निकाल देते हैं फ्रस्ट्रेशन. एंड ज्यादा हाथ सफाई कौन करता है? तू. अबे जा यार, जो तेरे छोटे छोटे नुकीले नुकीले मुक्के है ना, लगते हैं तेरे को? नहीं लगते, इसको ये ड्रामे कर रहा है. आज क्या हुआ पता है? यही जो है ना नफरत, यही जो है ना ये लड़ाइयाँ और ये घुसंड, ये टिनटिन को इतना ज्यादा पसंद है. उसको ये लगता है कि हम सीरियसली लड़ते हैं, मतलब हम लड़ते हैं बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. आज इतनी मजेदार बात हुई है ना, निकलने से पहले उसने उसको फोन किया टिनटिन को, तो बोल रहा है यार, उसने ना बॉक्सिंग रिंग लगाई घर के बीचों बीच. इसने बोला यार मेरे को भी चाहिए बट हमारे घर में जगह नहीं है, मैं कहाँ लगाऊंगा. तो टिनटिन छूटते ही बोलता है, मतलब एक होता है ना कि आई हैव अ जोक but I will start slowly and I know exactly when I have to land it. Planted, so he has, well planted. हाँ, इतना प्यारा उसने बोला ना, कह रहा है यार मेरे को पता है कान लग सकता है. तो मैं, मेरे भी कान खड़े हुए कि यार ऐसी कौन सी जगह हमारे घर में जाए, इसको पता है और हमें नहीं पता. से बात कर रहा था वो, बट आप ना मार नहीं पाओगे इसको. तो उसने बोला क्यों? कह रहा है आपके ऊपर ही लगा देना हमने और हम. वाओ, मोमोज वाले ने कोई हमारे लिए व्रत वाले मोमोज नहीं निकाले. जैसे हमारे नवरात्रे छूटेंगे उसके बाद तू क्या खाना चाहता है पहली चीज? रास्ते में एक बच्चा कोई
वो बड़ा खुशी खुशी किसी के घर से छोले पूड़ी लेके आ रहा हूँ और मैं उसकी उससे छीन के खाऊँ, मेरा ऐसा मन कर रहा है।